सीरत आराम से। हाँ। मैंने आटा गूंद दिया है और दाल भून कर रख दी है। हाँ, मुझे बस वो मसाला मिला के भरना है और उसे तलना है। हाँ। मुझे हो तो जाएगा ना, मैं नारद जी की जैसी कचौरी बना पाऊंगी ना। सीरत, तुम उससे भी बहुत अच्छी कचौरी बनाओगी, टेंशन मत लो। ये आटा लाए। अच्छा सुनो, तुमने कार्तिक को बताया ना कि तुम्हें लेट होने वाला है? नहीं, वो मैं नहीं बता पाई, मेरे हाथ दोनों बिजी हैं। आप प्लीज उन्हें मैसेज कर देंगे? हाँ, मैं मैसेज कर देती हूँ। वैसा क्या काम आ गया जिससे ज्यादा जरूरी है? क्या हुआ सर, सीरत दीदी नहीं आ रही क्या? हम तो उन्हीं से मिलने आए थे सर। मिस्टर कार्तिक, प्लीज आप सीरत को जल्दी बुलवा दीजिए, देखिए मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी सर, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि सीरत मैम सिर्फ बॉक्सर नहीं, गोयनका फैमिली की बहू भी है, और नई बहू की जिम्मेदारी आप और हम क्या जाने। आई थिंक वो घर के किसी काम में फंस गई होगी। हाँ, मेरी मम्मी भी यही कहती है हमेशा कि कितनी भी बड़ी बॉक्सर बन जाओ, लेकिन शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। कचोरी तो काफी खस्ता लग रही है, खा के देखो स्वाद भी उतनी होगी। सीरत बेटा, दे दो। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लीजिए। हाँ, इसकी खुशबू तो बाहर तक आ रही थी। वैसे कचौरी बनाई किसने? सीरत मम्मा ने? तो फिर हमें भी दो ना। हाँ। ठीक बनी है? ना। बहुत ही स्वाद बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तुमने तो नायरा की याद दिला दी सीरत। सच्ची में बहुत अच्छी बनी है। नहीं नहीं, मैंने कभी खाई नहीं। अब और लीजिए ना। सीरत मैम सिर्फ बॉक्सर नहीं, गोयनका फैमिली की बहू भी है, और नई बहू की जिम्मेदारी आप और हम क्या जाने। आई थिंक वो घर के किसी काम में फंस गई होगी। कितनी भी बड़ी बॉक्सर बन जाओ, लेकिन शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। पापा? अभी नहीं बेटा, अभी मैं बिजी। सीरत मम्मा के हाथ की कचौड़ी खाओ ना, बहुत ज्यादा यम्मी है। आप नाराज है ना मुझसे? सॉरी कार्तिक, वो दादी की सहेलियां आ गई थी ना, तो मैं, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। सच्ची में सॉरी। जब मैंने फोन उठा के देखा ना, तो रचना और प्रिया के मैसेज आए हुए थे कि वो वीडियो वाले वो जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं आई, मेरा वेट कर रहे थे।
पर I'm really sorry, कार्तिक। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म। चुप। ये कचौरी तो अभी फोर्स मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। पापा कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप ये खा लो, बहुत यम्मी, सीरियसली। बेटा मैंने कहा ना, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में देखते हैं। ओके। कार्तिक तो गुस्से में उबल रहे लगता है, पर मुझे क्या हक है शिकायत करने का? तीली भी तो मैंने ही लगाई है ना खुद, पर अब इस आग को कैसे बुझाऊं? पति को मनाते कैसे हैं? मुझे तो ये भी नहीं आता। सर क्यों खुजा रही हो? डैंड्रफ हो गया, जुए हो गई सर पे। छी, ऐसे कोई बोलता है क्या किसी को? जब कोई कुछ सोचता है ना तो भी ऐसे ऐसे सर खुजाता है। क्या कार्तिक, ये भी नहीं पूछा कि क्या सोच रही हो? वैसे पूछ लेते तो बता देती। क्या कहती, आपको कैसे मनाना है ये सोच रही हूँ। तो दिल जब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तो उनके तार भी कुछ ऐसे ही झनझनाते हैं, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी नाराज हो जाए तो उसकी आवाज ना कुछ ऐसी हो जाती है। दिलों की ट्यूनिंग को फिर से ठीक करने के लिए किसी एक को ना दूसरे के तार कसने पड़ते हैं ऐसे। और फिर भी अगर बात ना बने तो जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें गाना गाकर मनाना पड़ता है, फिर गाना आए या ना आए लेकिन गाना तो पड़ता है। जैसे अब मैं गाने वाली हूँ। बस ठीक है, कर दूंगा अगर गाना रोक दोगी तो। कर दिया, अब आप ही कर दो ना। मैं सच्ची में बहुत सॉरी हूँ कार्तिक, मैं ना सच्ची में बहुत सॉरी हूँ। सॉरी। ये शब्द नहीं कहोगी तुम आज के बाद कभी सॉरी नहीं कहोगी। ओके ओके, मैं नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी। क्या लगा था तुम्हें, तुम जादूगर हो, अगर कोई चीज हवा में छोड़ दोगी तो वो क्या तैरती रहेगी? ग्रेविटी सुना है क्या होता है? कितना नीचे आएगा ना, किसी के पैर पे आएगा ना। मतलब माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। हाँ ठीक है, माफ किया। गिटार की चोट के लिए या नीचे जो हुआ उसके लिए? मुझे एहसास है अपनी गलती का कार्तिक, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं सच्ची में आ जाती लेकिन दादी ने इतने मन से अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, मुझे पूछा तो मैं कैसे मना कर देती, कैसे उनका दिल दुखा देती। तुम कह देती दादी से कि तुम्हें काम से जाना है तो तुम्हें कभी मना नहीं करती, तो तुमने कहा ही नहीं होगा। देखो शेर, मैं जानता हूं किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता, नया घर, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, और इन्हें निभाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है और मेहनत भी। पर नया स्वीकार करने के लिए पुराने को भूल जाओ जरूरी नहीं है ना, जबकि वो पुराना तुम्हारा सपना, तुम्हारी लाइफ का गोल रहा है, उन्हें तुम नहीं भूल सकती। जिस सपने के लिए तुमने बड़े बड़े त्याग दिए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, उन्हें भूल जाओगी घर गृहस्थी के लिए? देखो, तुम्हारा करियर पहले सिर्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, अब वो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सपने पहले सिर्फ तुम्हारे सपने थे, अब वो हम सब के सपने हैं। हम सब ये चाहते हैं कि तुम इंटरनेशनल बॉक्सर बनो,
अगर तुम मुझे पूरे हक से कहोगी ना कि कार्तिक कुछ देर के लिए बच्चे को संभाल लो, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर बच्चों के लिए, घर गृहस्थी के लिए तुमने प्रैक्टिस मिस की, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इनफैक्ट बर्दाश्त ही नहीं होगा। घर की, परिवार की जिम्मेदारी शेयर करने से निभाई जाती है, किसी एक के ऊपर पूरा बोझ नहीं डाल सकते हम लोग। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि घर की जिम्मेदारी की वजह से तुम अपने करियर को भूल जाओ, अपने सपनों को, खुद को भूल जाओ। ये तुम हो सीरत, तुम सीरत मैरी कॉम गोइंग का हो, फाइटर हो, चैंपियन हो, बॉक्सर हो, विनर हो, ये नहीं भूल सकती तुम। ओके नारा जी, सब कुछ इतना अच्छे से कैसे संभाल लेती थी? घर, बच्चे, डांस एकेडमी। ये क्यों पूछा तुमने? अब कुछ नहीं, वो ऐसे ही ध्यान आ गया। अब वो सब छोड़िए, और जो कुछ भी आपने कहा ना, मुझे उस बात का ध्यान रहेगा, मैं ख्याल रखूंगी आगे से नहीं, अभी से। अब तो आप कचौरी चख लीजिए ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, वो भी पहली बार, प्लीज। कैसी फिल्म? अच्छी। सिर्फ अच्छी कहा, मुझे लगा था कहेंगे बिल्कुल नायरा जैसी है। सीरत, तुमने खाई? मेरी बीवी ने बनाई है, बहुत अच्छी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।